नमस्कार, रैड नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रैड नेटवर्क के सियासी किस्से में आज बात एक ऐसे नेता की जिसका विवादों से चोली दामन का संबंध रहा है। इस नेता पर सेक्स स्कैंडल के आरोप लग चुके हैं। हम बताएंगे इस नेता के निजी, सार्वजनिक और गुप्त जीवन की पूरी कहानी। बस बने रहिए हमारे साथ। इसमें शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिसका विवादों से नाता ना हो, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिनके विवादों ने उनकी अच्छी उपलब्धियों को मानो ले लिया हो। कुछ ऐसा ही हुआ किसी जमाने में कांग्रेस के दिग्गज नेता के रूप में जाने जाने वाले नारायण दत्त तिवारी के साथ, जिन्हें कभी विकास को दिशा दिखाने वाले नेता के तौर पर पहचान मिली। वे एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्हें दो राज्यों का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त है, लेकिन आज उसकी चर्चा उसकी उपलब्धियों के बजाय उसके विवादों की वजह से ज़्यादा होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता नारायण दत्त तिवारी की। नारायण दत्त तिवारी न केवल उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। साल 2002 से 2007 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। इससे पहले वो तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1986 में वो राजीव गांधी कैबिनेट में विदेश मंत्री रहे। यही नहीं, एनडी तिवारी एक बार आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। 1990 के दशक में वे प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने बाजी मार ली थी। नारायण दत्त तिवारी 2007 से 2009 के बीच आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे। इस दौरान वहां घटी एक घटना ने उनके तमाम सियासी उपलब्धियों पर पानी फेर दिया। नारायण दत्त तिवारी आज तक उस घटना से उबर नहीं पाए। आज भी एनडी तिवारी का नाम आते ही उस घटना की तस्वीरें जो मीडिया में छाई हुई थी उभर कर सामने आ जाती है। साल 2009 में एक तेलुगु चैनल में एक वीडियो क्लिप चलाई जाती है। दावा किया जाता है कि तीन महिलाओं संग आपत्तिजनक स्थिति में दिख रहे शख्स राज्यपाल एनडी तिवारी हैं। इसके बाद तो देश की सियासत में मानो भूचाल सा आ जाता है। इस सीडी के आने से एनडी तिवारी की शख्सियत पर काला धब्बा सा छोड़ दिया। कुछ दिन पहले तक जो शख्स देश की सियासत का बड़ा नाम हुआ करता था, वो अपने उस रुतबे को खो देता है। इस सीडी कांड के बाद उसे राज्यपाल के पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी भी उससे दूरी बना लेती है। इसके साथ ही वो देश की सियासत में हाशिए पर चला जाता है। इसके बाद रही सही कसर एक और विवाद ने पूरी कर दी, जब रोहित शेखर नामक एक शख्स ने खुद को एनडी तिवारी का जैविक बेटा होने का दावा किया। पहले तो एनडी तिवारी रोहित को अपना बेटा मानने से साफ इनकार करते रहे, लेकिन बात तब काफ़ी आगे बढ़ गई जब रोहित शेखर ने कोर्ट में अर्जी लगाते हुए डीएनए टेस्ट की मांग कर दी। इसके बाद साल 2009 में कोर्ट ने डीएनए टेस्ट का आदेश भी दे दिया और उनसे जांच के लिए खून का सैंपल देने को कहा। लंबी कवायद के बाद साल 2011 में
कोर्ट की निगरानी में उन्होंने जांच के लिए खून का सैंपल दिया। जब रिपोर्ट आई तो काफी कुछ साफ हो गया था। रिपोर्ट के मुताबिक नारायण दत्त तिवारी ही रोहित शेखर के बायोलॉजिकल पिता थे और उज्ज्वला शर्मा उनकी बायोलॉजिकल माँ थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद एक समारोह में एनडी तिवारी ने रोहित शेखर को अपना बेटा माना और उज्ज्वला शर्मा को अपनी पत्नी, और इस समारोह में उन्होंने उज्ज्वला शर्मा के साथ शादी भी रचाई। ये शादी जिस वक्त हुई थी नारायण दत्त तिवारी की उम्र 90 साल की थी। 18 अक्टूबर 1925 को नैनीताल की बलूती गांव में पैदा हुए तिवारी आज़ादी के समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष थे। एनडी तिवारी के पिता पूर्णानंद तिवारी वन विभाग में अधिकारी थे। लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर पूर्णानंद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पिता की ही तरह एनडी तिवारी भी आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। 1942 में वे ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ नारे वाले पोस्टर और पंपलेट छापने और उसमें सहयोग के आरोप में पकड़े गए। उन्हें गिरफ्तार कर नैनीताल जेल में डाल दिया गया। इस जेल में उनके पिता पूर्णानंद तिवारी पहले से ही बंद थे। यहां 15 महीने की जेल काटने के बाद वो 1944 में रिहा हुए। इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से नारायण दत्त तिवारी ने राजनीति शास्त्र में एमए में यूनिवर्सिटी में टॉप किया। इसके बाद उन्होंने यहीं से एलएलबी की पढ़ाई की और 1947 में यानी आज़ादी के साल में वे इस यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। आज़ादी के बाद 1950 में उत्तर प्रदेश के गठन और 1951 और 52 में प्रदेश के पहले विधानसभा चुनाव में एनडी तिवारी ने नैनीताल उत्तर सीट से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लिया। इस चुनाव में कांग्रेस की लहर होने के बावजूद वे चुनाव जीत गए। एनडी तिवारी साल 1963 में कांग्रेस से जुड़े और साल 1965 में वो कांग्रेस के टिकट पर काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुने गए और पहली बार मंत्री परिषद में उन्हें जगह भी मिली। 1976 में नारायण दत्त तिवारी पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका ये कार्यकाल बेहद ही छोटा था क्योंकि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की वजह से 1977 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। नारायण दत्त तिवारी 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वे अकेले ऐसे राजनेता हैं जो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जब 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ यानी उत्तराखंड राज्य बना, तो वे उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री भी बने। एनडी तिवारी कांग्रेस और सरकारों में कई अहम भूमिकाओं में रहे। 80 के दशक में वो केंद्र में योजना आयोग के उपाध्यक्ष से लेकर उद्योग, वाणिज्य, पेट्रोलियम और वित्त मंत्री के रूप में काम किया। यही नहीं, उन्होंने 1995 में कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, लेकिन वो इसमें सफल नहीं रहे।
और दो साल बाद ही कांग्रेस में लौट आए। हालांकि इन दो साल के दौरान कांग्रेस में उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दी गई। कहा जाता है कि राजीव गांधी की मौत के बाद वे कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन नैनीताल से चुनाव हार जाने की वजह से वे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। यही वजह है कि वो कांग्रेस से अलग हो गए और बाद में सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में लौट आए। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में इंदिरा तिवारी बीजेपी के समर्थक हो गए। कहा जाता है कि अपने बेटे रोहित शेखर को राजनीति में स्थापित करने के लिए उन्होंने बीजेपी का दामन थाम दिया और अपने बेटे रोहित शेखर को बीजेपी की सदस्यता दिला दी। हालांकि इसका कोई खास नतीजा नहीं निकल सका। नारायण दत्त तिवारी चार पीढ़ियों की कांग्रेसी सियासत की गवाह रहे हैं। उनके जैसा राजनीति जीवन आज के राजनेताओं को नसीब होना मुश्किल है, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि वे सियासत के नारायण होने के बजाय विवादों के नारायण बन गए। तो ये थी विवादों के नारायण नारायण दत्त तिवारी के सार्वजनिक, निजी और गुप्त जीवन की कहानी। आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।